ओम राउत द्वारा निर्देशित फिल्म आदि पुरुष जब से रिलीज हुई है ये अपने कंटेंट, डायलॉग, वीएफएक्स, ड्रेस जैसी कई चीजों को लेकर लोगों के निशाने पर बनी रही। फिल्म के डायलॉग ऐसे हैं जिनसे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। फिल्म पर कई केस भी हो गए हैं लेकिन तब भी फिल्म के लेखक मनोज मुंतशिर ने अपनी गलती नहीं मानी। उनके अनुसार उन्होंने आम बोलचाल और देश के युवाओं की भाषा में ये डायलॉग लिखे थे। उन्होंने खुद को ही विक्टिम बताकर विरोध करने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। लेकिन अब आखिरकार उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने ट्वीट करके माफी मांगी है। गीतकार व लेखक मनोज मुंतशिर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अपनी फिल्म से भावनाएं आहत होने पर लोगों से माफी मांगी है। उन्होंने यहां अपनी गलती स्वीकार की है। उन्होंने लिखा है, मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाइयों, बहनों, बड़ों, पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। इसी के साथ उन्होंने लिखा, भगवान बजरंग बली हम सब पर कृपा करें, हमें एक और अटूट रहकर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। इसके आगे उन्होंने हाथ जोड़ने वाली इमोजी को भी बनाया है। आपको बता दें कि प्रभास और कृति सेनन स्टारर फिल्म आदि पुरुष रामायण के आधार पर बनाई गई थी जिसमें सनी सिंह ने लक्ष्मण और सैफ अली खान ने रावण का किरदार निभाया था। फिल्म में डायलॉग्स ऐसे थे कि बाद में मेकर्स को उन्हें बदलना पड़ा लेकिन इसके बाद भी लोगों ने फिल्म का विरोध किया। हिंदू धर्म के लोगों ने धार्मिक भावनाएं आहत होने का आरोप लगाया। नेपाल में भी फिल्म का जमकर विरोध हुआ। फिल्म 16 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। उनके इस ट्वीट पर कई लोगों के आलोचनात्मक कमेंट्स भी आए हैं। एक यूजर कहता है, तू धर्मद्रोह करके माफी मांगता है, शर्म आनी चाहिए, तेरा दोष नहीं संस्कारों की परवरिश का दोष है। इसी के साथ ही एक वेरिफाइड अकाउंट के यूजर ने कहा, काफी देर कर दी, जब फिल्म फ्लॉप हो गई सिनेमा घर से उतरनी शुरू हो गई, जब खोने को कुछ और नहीं बचा, जब जनता का आक्रोश खुद ही ठंडा हो गया तब माफी मांग रहे हो। ये काम तो फिल्म रिलीज होने के कुछ दिनों के भीतर ही हो जाना चाहिए, लेकिन तब तो आप कलेक्शन गिनने और फिल्म का बचाव कर घाव पर नमक छिड़कने में व्यस्त थे। अब फिल्म की कमाई पूरी तरह थम गई है तो माफी मांग रहे हैं। खैर, देर आए दुरुस्त आए। मनोज मुंतशिर के माफी मांगने के ट्वीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।